यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53। यशायाह अध्याय 53। जो समाचार हमको दिया गया था उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? वह तो उसके सामने अंकुर किनाई और ऐसी जड़ की शाखा के समान फूट निकला जो निर्जल भूमि में हो। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न कुछ तेज, और जब हम उसको देखते थे तब उसका रूप हमें ऐसा न दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना, तो भी उसने हमारे ही रोगों को उठा लिया और हमारे ही दुखों को सह लिया। परंतु हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। लोग अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए, परंतु उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवित लोगों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे लोगों ही के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवानों के संग हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, परंतु यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान ही के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है।